Okay, student, then today we are going to start the graphical representation of motion. Okay, graphical representation of motion means we will represent the motion on the graph, and from the graph we will study the something, how to calculate the velocity, how to calculate the acceleration, etc. So that will call the graphical representation. The graph which we will discuss here, first is the distance time graph. And a similar pattern will be displacement time graph. इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग. सेकेंड स्पीड टाइम ग्राफ. और इसी के पैटर्न में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एंड द थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. So mainly we will discuss these graphs. सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. फॉर एग्जांपल, दिस इज एक्स एक्सिस एंड द टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस. And here the distance will represent on the y-axis. So it will call the distance time graph. How many types of the distance time graph possible? The first, when the body is in rest. इस कंडीशन में क्या होगा? जब बॉडी रेस्ट में होने का क्या मतलब है? बॉडी रेस्ट में होने का मतलब यह है कि सपोज दैट जो बॉडी की पोजीशन है, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है, वो 10 मीटर पर है. मान लीजिए कि 10 मीटर पर है, ठीक है? तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो टाइम कितना भी बढ़ता चला जाएगा लेकिन बॉडी की पोजिशन तो वही होगी. ये सेकंड में, तो टाइम जब जीरो था तो 10 मीटर, अगर रेस्ट में है तो बॉडी वहीं पर होगा ना. टू पर भी वहीं पर होगा, फोर पर भी वहीं होगा, सिक्स पर भी वहीं होगा, एट पर भी वहीं होगा.
और जब आप सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी, मतलब लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी इज इन रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा। देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। सेकेंड है, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा देखा जाए। ये हो गया डिस्टेंस इन मीटर, ओरिजिन टाइम इन सेकेंड। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वैसे केस में, चलिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी मीटर, एज ए टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व। मतलब स्टार्ट, ये सपोज करते हैं कि बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है टाइम जीरो, डिस्टेंस जीरो, मतलब ओरिजिन, और दो सेकेंड में पांच मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इन एवरी टू सेकेंड इट विल कवर द फाइव मीटर डिस्टेंस। सो दो सेकेंड पे पांचवे मीटर पे हो जाएगी, आफ्टर टू सेकेंड इट विल बी एट द टेन मीटर। यही हो गया ना पॉइंट्स। सिंपल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैं ग्राफ आप करते हुए वही चीज है। सिक्स सेकेंड पे कहां पहुंच जाएगा, 15 मीटर पहुंच जाएगा। ऐसे ही
एट सेकेंड पर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर, और अगर आप सबको मिला के एक लाइन ड्रॉ करें तो कैसी लाइन मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। इस केस में डीटी ग्राफ होगा कैसा? द डीटी ग्राफ विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be a straight line to the time axis. Inclined to the time axis. ठीक है, चलिए एक चीज और भी मैं आपको इसी साथ ही साथ में बता देता हूं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रेस्ट को। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो जाहिर सी बात है उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसके स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पीड को कैलकुलेट करेंगे कैसे? स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लोप के थ्रू। अब आप सोचोगे स्लोप क्या होता है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको अलग से बता रहा हूं। फिलहाल लिखिए इसको, स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे तो स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि स्पीड इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप होता क्या है, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इस ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए अपनी इच्छा से, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूं और एक पॉइंट ये ले रहा हूं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट आप ले लेंगे और इस दोनों पॉइंट के हेल्प से आप यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे सी ये डिस्टेंस कितनी होगी? चेंज इन द डिस्टेंस डेल डी होगा, होगा ना? जैसे जो फर्स्ट पॉइंट ए है इसके करिस्पोंडिंग जो डी होगा उसका नाम हो जाएगा डी वन, और जो टाइम होगा उसका नाम हो जाएगा टी वन। पॉइंट बी के करिस्पोंडिंग जो डिस्टेंस होगा हो जाएगा डी टू, और जो टाइम होगा वो हो जाएगा टी टू। तो अगर आप इस बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा वो डी टू माइनस डी वन। अब सोचेंगे कि ये कैसे आएगा, तो देखिए देखिए बी यहां पे जो डी टू लिखा हुआ है, यानी कि 25 जो लिखा हुआ है वो जीरो से लेकर वहां तक की डिस्टेंस है, मतलब ये चीज है। और आपको निकालना कितना है? आपको निकालना है सिर्फ बी से सी तक का।
ठीक है। और ये जो डी वन यानी कि जो 10 लिखा हुआ है, ये 0 से लेकर वहां तक की डिस्टेंस है, मतलब ये। तो आप देखिए, ये हो गया डी टू, ये हो गया डी वन, तो ये ग्रीन वाला होगा कितना, डी टू माइनस डी वन। उसी तरीके से ये होगा डेल टी यानी कि टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू है कितनी, बी सी की वैल्यू है डी टू माइनस डी वन, और ए सी की वैल्यू कितनी है, टी टू माइनस टी वन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डेल डी अपॉन डेल टी। तो स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, स्पीड का फॉर्मूला होगा, इसको याद कर लीजिएगा। यहां से आएगा कितना, स्पीड डी टू माइनस डी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। डी टू है कितना, डी टू है 25, डी वन कितना है 10, और टी टू कितना है 10, टी वन कितना है 4, हो जाएगा 15 अपॉन 6। टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बॉडी जो है 2 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 1 सेकेंड में 2.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, यही इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, देन दिस इज द थर्ड टाइप, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेट्स सी। दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर and this is the time in second. So if the body is moving on the in the non-uniform motion, then distance graph, distance time graph will be a curve line like this, a smooth curve. This will be the distance time graph for the non-uniform motion. ओके, एंड इन दिस सिचुएशन सिंस द स्पीड इज वेरिंग, स्पीड इज ऑलवेज वेरिंग, सो वी कैन राइट, फर्स्ट राइट डाउन द अबाउट द ग्राफ, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ए कर्व लाइन। Okay, and in this situation we can calculate the instantaneous speed. जैसे कि स्पीड हमेशा वेरी कर रहा है ना, हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पी पर स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो हम लोग पी से हम लोग क्या करेंगे कि P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस टेंजेंट को देखेंगे कि ये X एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को थीटा नोट कर लेंगे, देन स्पीड एट पॉइंट P is given by s equal to tan theta। trigonometric ratio tangent आप जानते हैं, tan जिसको बोलते हैं, उससे आप calculate कर